वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच से पहले टीम इंडिया के लिए आई है बुरी खबर। ये स्टार खिलाड़ी हुआ पहले वनडे मैच से बाहर। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर और कौन है वो खिलाड़ी जो हुआ है पहले वनडे मुकाबले से बाहर, बताएंगे आपको पूरी खबर इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज को पहले वनडे में हरा दे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से हो रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए BCCI ने हाल ही में भारतीय टीम का ऐलान किया है। इसी बीच भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर भी सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि पहले वनडे मुकाबले से KL राहुल बाहर हो चुके हैं और वो आपको पहले वनडे मुकाबले में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि KL राहुल दूसरे और तीसरे वनडे में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। हालांकि अब खबरें ये भी आ रही है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले में KL राहुल की जगह टीम में श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा। हालांकि KL राहुल जब दूसरे और तीसरे वनडे में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे तब भी शायद उन्हें ओपन करने का मौका न मिले, वो 5वें नंबर पे ही हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन ही हमें ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। यानी भारतीय क्रिकेट फैंस को फिर से एक बार पुरानी जोड़ी रोहित शर्मा और शिखर धवन की हमें मैदान पर दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें, क्या भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज को हरा पाएगी या नहीं, नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।